नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। सीतापुर पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड हुई फायरिंग। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश की जिला अस्पताल में हुई मौत, बाकी दो बदमाश भागने में हुए कामयाब। मुठभेड़ में दो पुलिस कर्मी भी हुए घायल। चेकिंग के दौरान हो गई मुठभेड़। मुठभेड़ में थाना शहर कोतवाली क्राइम ब्रांच व इमलिया सुल्तानपुर थाने की पुलिस रही शामिल। थाना रामकोट के गोरा रसूलापुर गांव के पास की है घटना। आज देर रात में थाना कोतवाली पुलिस, इमलिया सुल्तानपुर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो है चेकिंग कर रही थी, उस समय पे एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी फायर में एक अपराधी को जो है गोली लग गई, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित किया गया जा चुका है और अन्य दो बदमाशों के लिए काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ, कई थानों के पुलिस के साथ और यूपी 100 की कई पीआरवीज के साथ कॉम्बिंग की गई, परंतु अभी तक उनका वो उनकी तलाश नहीं हो पाई है। जो मृत बदमाश है उसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस पूरी मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर कोतवाली और एक क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल भी घायल हुए और एक अन्य सब इंस्पेक्टर को भी हल्की फुल्की चोटें आई है, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, जिनकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इस सारी घटना के बारे में की जा रही है और अन्य डिटेल्स जो है आपको जैसे अवेलेबल होते वैसे उपलब्ध कराए जाएंगे।